और अब बात करते हैं मौसम की। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में ठिठुरन लगातार जारी है। आज भी ठंड का सितम लोग झेल रहे हैं। अगले हफ्ते बारिश की भविष्यवाणी ने लोगों की चिंता को और बढ़ा दिया है। रिपोर्ट देखिए। ठंड की शरारत ठिठुरा उत्तर भारत। दो दिन ट्रेलर, आज छूटेगी कपकपी। प्रचंड ठंड के बाद बादल करेंगे बरसात। दिल्ली में होगी शिमला वाली बर्फबारी। मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट का आज आखिरी दिन है। यूपी हो या राजस्थान। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। यूपी हो या पंजाब, या फिर हो देश की राजधानी दिल्ली, आधा हिंदुस्तान ठंड से परेशान है, लेकिन हाड़ कपा देने वाली सर्दी से निजात आज भी नहीं मिलने वाली है। मंगलवार को दिल्ली समेत कई राज्यों में पारे ने गोता लगा दिया। दिल्ली का मिनिमम तापमान 2 डिग्री से भी नीचे जा पहुंचा। परेशान तो हवा से ठंड तो है, ये परेशान तो कर ही रही है। अब हाथ के जो लोग बाइकों पर चलते हैं उनसे पूछो, ठंड में हवा लगती है। ज़्यादा ठंडी चल रही है और वास्तव में चाय का सहारा ले रहे हैं। ये देखो चाय की दुकान है और वास्तव में ज़्यादा ठंड है। 2-3 दिन से ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। सर्दी पहले से कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, और दिल्ली में तो कुछ ज्यादा ही है। राजस्थान के सीकर में सुबह सुबह जब लोगों की नींद खुली तो पेड़ पौधों पर बर्फ की मोटी चादर जमी पाई। यहां का पारा 0 डिग्री को क्रॉस कर माइनस में पहुंच गया। यहां मिनिमम तापमान -4.7 डिग्री दर्ज किया गया। चुरू में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। ठंड के प्रकोप से पानी बर्फ बन गया। यहाँ का मिनिमम तापमान -2.7 डिग्री दर्ज किया गया। हड्डियों को गला देने वाली सर्दी अभी विदा भी नहीं हुई है कि मौसम विभाग ने एक और भविष्यवाणी कर दिल्ली वालों पर मानो बिजली गिरा दी हो। मौसम विभाग के मुताबिक आज से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो जाएगा, जिसका असर कल से दिखना शुरू हो जाएगा। माना जा रहा है कि गुरुवार से शीतलहर की छुट्टी हो जाएगी, लेकिन इसके साथ ही इस ठंड के मौसम में बारिश की भी एंट्री हो सकती है। 21 जनवरी से 25 जनवरी तक दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्यों में बारिश कहर बरपा सकती है। इनमें दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्से शामिल हैं। बारिश के साथ ही कई इलाकों में ओले गिरने का भी अनुमान जताया गया है। 23 और 24 जनवरी को कई इलाकों में तेज हवाएं चलेंगी, जिसकी रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। जाहिर है मौसम के प्रचंड प्रहार से अभी निजात मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। ठंड जाएगी तो बारिश आएगी, यानी एक मुसीबत जाने वाली है, दूसरी सिर पर सवार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।